आता दादरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक चोटीवाला, आइए बात करते हैं। पहले आप ये बताइए आपकी पार्टी का एजेंडा क्या होगा? एजेंडा बहुत स्पष्ट है जी, जी, जी बताइए। आम लोगों के दुख दर्द में, उनकी दुख तकलीफों में हमें शामिल होना है, और सरकार बनने के बाद, यहाँ से विधायक निर्वाचित होने के बाद, हम लोगों को उन दुख तकलीफों में न सिर्फ शामिल होना है, हमें उन दुख तकलीफों आप हमें 4:30 बजे कार्यालय पे मिलो। ये हमारा बेसिक कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी की नींव, कांग्रेस पार्टी का भरा पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब आम जन को चुनौती झेलनी पड़ी आततायी ताकतों से, राजनीतिक ताकतों से, तानाशाही ताकतों से, तब तब कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया है, और आम लोगों को मजबूत करने का काम किया है। ये हमारा एजेंडा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आगे बढ़ रहे? बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बिल्डर बायर की समस्या, और बेरोजगारी के साथ महंगाई भी एक बड़ा विषय हमारे यहाँ, तो इन सब चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे और मजबूती किस तरह से करेंगे। ये तो सब बोलते हैं कि करेंगे, लेकिन आपका क्या एजेंडा होगा कि आप आए तो डिफरेंट तरीके से जल्दी करेंगे, क्योंकि हर सरकार आने से पहले और जाने के बाद यही बोलती है, आप कुछ बताइए क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस सरकार में 300 से ज़्यादा MLA थे, लेकिन आपको सवाल पूछना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से कि पर्सनली कितने विधायकों के चेहरे योगी आदित्यनाथ जी को याद रहे, कितनी बार MLA 5 साल के टेनर में उनसे मिल पाए। तो जब मुख्यमंत्री ऐसा होगा तो विधायक कैसे होंगे? जब उनको जनता की, अपने विधायकों की परवाह नहीं है, उनको निर्वाचित प्रतिनिधियों की परवाह नहीं है, तो निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की परवाह कहाँ से करेंगे? तो इस जो ये हिला हवेली है ना, इसको रोकने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग आए हैं। शुचिता की, स्वच्छता की राजनीति हम करते हैं। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से कहा है, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों लड़ सकती हैं, इतना बड़ा पैगाम उन्होंने दिया है पूरे देश की महिलाओं को, और कर दिखाया है। 40% उन्होंने जो कहा वो किया है, तो ये लड़ाई 40% में और भी बढ़ोतरी हो सकती है ना, क्योंकि इक्वलिटी का हद है तो 50 तो में जाता है, लेकिन फिर वो अब भी 40 रेट रहा होगा, तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो और बढ़ना चाहिए? आधी आबादी पूरा हक, ये कांग्रेस पार्टी की टैग लाइन, आधी आबादी पूरा हक। 40% आज दिया है, किसी ने नहीं दिया है। उठा के देख लीजिए सूचियों को, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर टिकट देने का काम किया गया है। हम लोगों ने 40% महिलाओं को टिकट दिया है, और वो दिन दूर नहीं है जब महिलाओं की भागीदारी सोनिया गांधी जी ने सुनिश्चित की थी पंचायतों में 50%, और ऊपरी सदनों में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनमें महिलाओं की भागीदारी 50% सुनिश्चित होगी, 100% सुनिश्चित होगी। मैं भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू।